बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वो सिलसिला जो हमने शुरू किया था उसका आज दूसरा हिस्सा हम पेश कर रहे हैं। एक मुख्तसर कलाम और उसके बाद आपसे मैं भी गुफ्तगू होते हैं। लाचार कर दिया है, बेजार कर दिया है, बेराह रवी ने जीना दुश्वार कर दिया है। यकसानियत ने जिनको बेकार कर दिया था, इंसानियत ने उनको बेदार कर दिया है। इस्लाम है कि जिसमें रहबानियत नहीं है, इस्लाम है कि जिसमें रहबानियत नहीं है। लादीनियत ने माहौल बीमार कर दिया है। हर उम्मती को होगी सरकार की ज़ियारत, इस कैफियत ने मुझको सरशार कर दिया है। खुद बादशाह चल के आया था जिसको मिलने, दरवेश ने सुना है इनकार कर दिया है। थामा हुआ है जब से अपने खिजर का दामन, निस्बत ने हर कमर को पतवार कर दिया है। लाचार कर दिया है, बेजार कर दिया है, बेराहवी ने जीना दुश्वार कर दिया है। हमारा गिर्दोपेश, हमारा रहन सहन, हमारी बोदोबाश, हमारी तहजीब, हमारा कल्चर, हमारा मुआशरा, इसको एक मंजिल की और मंजिल से बढ़कर मंजिल शनास रहनुमा की जरूरत है। हर दौर में हम एक नई उम्मीद लेकर उठते हैं, कोई ना कोई हमें एक नया रास्ता दिखाता है। एक नई लगन के साथ कौम की रहनुमाई के लिए आगे निकलता है, लेकिन फिर कौम मायूसी के अंधेरों में, मायूसी की गहरी खाइयों में अपने आप को गिरता महसूस करती है। आज से सदियां पहले बतहा की वादियों में, तैबा के पाकीजा और पुर फिजा माहौल में एक हस्ती, जिस हस्ती के लिए ये कायनात तखलीक की गई, उस हस्ती ने उजड़े हुए मुआशरे को, बद तहजीब मुआशरे को, उजड़ और जाहिल मुआशरे को, उस मुआशरे को जिसका कोई पुरसा निहाल नहीं था, सरकार ने एक नजरिया दिया, हौसला दिया, जिसका कोई नहीं था उसके सर पे हाथ रखा, टूटे हुए रिश्ते दोबारा हुजूर ने जोड़े। तो हम इधर उधर क्यों देखते हैं? कभी किसी फलासफर का जिक्र करते हैं, कभी किसी मुहक्किक का जिक्र करते हैं, कभी किसी लीडर से कोई खैरात मुस्तार लेते हैं। तो कौन जब भी उठेगी एक ही नजरिए पे उठेगी, और वो नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला का मतलब नहीं कोई, इल्लल्लाह इलाह, मगर अल्लाह है। जब अल्लाह है तो इकबाल ने कहा था ना कि बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौ उम्मीदें, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपकी निस्बत, जो शेर में मैंने कहा था ना कि निस्बत ने हर कमर को पतवार कर दिया है, निस्बत डूबने नहीं देती। निस्बत वो डूबते के लिए तिनके का सहारा, आपने सुना होगा, उसकी मानत है। तो हमारा जो मिशन है, हमारी जो तरबियत है, हमारी जो ख्वाहिश है, वो ये है
कि इर्द गिर्द को छोड़कर हम नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपना टूटा हुआ रिश्ता दोबारा बहाल करें। वो कैसे कर सकते हैं? बुनियाद है कलमा हमारी, बुनियाद से आज के दौर का मुसलमान दूर हट गया। कभी किसी का सहारा लेता है, कभी किसी का सहारा लेता है, कभी किसी की तरफ देखता है, कभी किसी की तरफ देखता है। तो उसकी तरफ देखना जो पूरी कौनैन का मसीहा बन के आया, जो पूरी उम्मत का सहारा बन के आया। नसीरुद्दीन शाह साहब ने कहा था ना कि जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। वो रसूल अकरम जो बतौर मुअल्लिम, बतौर उस्ताद, बतौर लीडर, बतौर बाप, बतौर दोस्त, किसी भी पहलू से हुजूर की जात मुकद्दस का इहाता करें तो आपको मुकम्मल जात हुजूर की नजर आएगी। जानबूझकर हमें तकसीम किया गया। कभी किसी का जिक्र कर देते हैं लोग, अब मैं किस किस का नाम लूं? फलां की थ्योरी पढ़े आपको सुकून मिल जाएगा, फलां लीडर के पीछे चले आपको सुकून मिल जाएगा। भाई जारा के बादा से पढ़कर, सलामुल्लाह अलैह से बढ़कर, अल्लाह ने जब एक रोल मॉडल पूरी कौमैन को अपनी बुरहान कहते हुए दिया तो उस हस्ती का दर अकदस, उस हस्ती का सहारा, उस हस्ती को फॉलो करना, ये एक हस्ती है जो पूरी उम्मत को, उम्मत इजाबत हो या उम्मत दावत हो, पूरी उम्मत को कोई हस्ती अगर अंधेरे से निकाल सकती है तो वो मेरे आका की हस्ती है। हुजूर की नात पढ़ना बड़ी सआदत है, हुजूर की सीरत पेश करना बड़ी सआदत है, हुजूर की याद मनाना, महफिल करना बड़ी सआदत है। लेकिन इस लिमिटेड माहौल से निकलकर हम चाहते हैं कि ये कल्चर वकला में भी हो, डॉक्टर्स में भी हो, दुकानदारों में भी हो, ताजिर तक भी ये पैगाम पहुंचे, बाजार में हमें चलता फिरता हुजूर का उस्वा हसना जो है वो नजर आए। इसके लिए एक लंबी मेहनत चाहिए। हमने इरादा किया है और अपनी जिंदगी वक्फ की है कि इंशाअल्लाह इस तरबियत के माहौल के लिए अच्छे जेनों पे दस्तक देते रहेंगे इंशाअल्लाह, और आप उम्मीद है हमारा साथ देंगे। मेरी ये ख्वाहिश है कि हम इस तरबीती माहौल को मजीद वसी करें। मेरी तरह जो और दोस्त बोल सकते हैं उनको दावत है, वो आगे आए, मुआशरे को मैसेज दें, पैगाम दें। मीडिया ने जहां पे एक तूफान बदतमीजी बरपा किया हुआ है तो कोई ताजा हवा का झोंका आना चाहिए जिस झोंके से लोगों को सुकून मिले, कोई उम्मीद मिले, अंधेरे में कोई दूर किरण नजर आए जो बुला रही हो कि आओ मंजिल इधर है। तो मंजिल मदीना है, मदीने का वाली है जिसको खालिक ने ताज शिफात से नवाजा, हर करामत हुजूर के कदमों पे निशावर, हर मौजज़ा हुजूर के साथ चलता हुआ आपको नजर आएगा। तो आए हमारा साथ दें, इस मिशन के साथी बने। हमने इससे पहले तहरीक वुजू शुरू की जो बड़ी कामयाबी से चली। अब हम चाहते हैं कि ये महफिल से सिलसिला निकालकर इसको मुआशरे के हर तबके तक हुजूर का पैगाम पहुंचाया जाए। हर बंदा हुजूर का आशिक है, जिसने कलमा पढ़ा है भला वो आशिक नहीं है? उसको इश्क की दौलत बड़ी वाफिर मिकदार में मिली है। तो हर तबके को चाहिए कि वो जहां अपने लीडर का तस्करा करते हैं, अपने शोबे का तस्करा करते हैं, अपने गिर्दो पेश में होने वाले वाकयात का तस्करा करते हैं, तो हुजूर के बारे में हर शख्स सरकार की सीरत तैयबा के हर पहलू पे अपनी खुल के गुफ्तगू करे। लेकिन इस अंदाज से करे कि लोगों को दिल ना टूटे, लोगों को कजी
अपनी जात में महसूस हो, लेकिन उसकी इस्लाह का भी पहलू निकले। किसी को नीचा दिखाने के लिए हम जो सिलसिला है उसको ना छेड़ें, बल्कि कोशिश करें कि आपके सामने जो आए आपको इतना वो अपना मुहिब समझे, अपना हमदर्द समझे, अपना खैरखा समझे, कि वो अपने नबी पाक अलैहिस्सलाम से टूटा हुआ रिश्ता बहाल करने में कोई झिझक महसूस ना करे। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे मुखातिब रहेंगे।